कनिष्क कोर्ट्स आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारी जी, क्या हाल है? जी मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? तो अब क्या, बस जी दुआ है आपकी। एनीवेज, जी आप जो तालिबान पावर में आ गए हैं और आप मोमिन हो गई हैं, तो आपका नेक्स्ट क्या, जी आप पटना से अफगानिस्तान शिफ्ट होंगी? नहीं जी, हम अफगानिस्तान हम क्यों शिफ्ट होंगे, हम तो यहाँ रह रहे हैं, अब हमारी तो मजबूरी है ना, हम तो हमेशा से यहाँ रहे हैं, अब हम यहाँ से कहाँ मूव हो सकते हैं। वरना नहीं तो मगर तालिबान जो आए हैं, मैं वो अपने भाइयों के लिए बहुत फील करती हूँ, बहुत सही किया है उन्होंने, उन्होंने सही कहा है, यूएस को लात मार के निकाल लिए वहां से, सब हार मार के निकल आए वहां से। आपका कॉस्प्ले मिस कर रहा था मैं, ये पिंकी पीरनी वाला। ये कॉस्प्ले वॉस्प्ले नहीं, मैं वाकई में, आप लोग समझ रहे हो मजाक कर रही हूँ यार, मैं वाकई में मुसलमान हो गई हूँ, मैंने वाकई में। हाँ आप लोग क्या मजाक समझ रहे हो, ये आप अभी देखना, अब आप देखना, मैंने यहाँ पर तिलावती करवानी है, मैंने कुरान मजीद पढ़वानी है, मैंने यहाँ पे पूरा उसे क्या कहते हैं, कुरान खानी वीना मलिक, करवानी है। आपने वीना मलिक बन जाना है फिर अब सीजन टू। जी तो क्या मतलब है आपका, क्या कहने का मतलब है कि वीना मलिक अच्छी नहीं है क्या? वीना मलिक ने कौन सा बुरा काम किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया था उसने तो। मेरी इनफैक्ट रोल वहां मॉडल पर ही वही है, वीना मलिक, सना खान, इमरान खान, यही तो मेरे रोल मॉडल्स मेरे यही है, इन्हीं को तो मैं फॉलो करती हूँ। जी वो तो है। वीना मलिक का तो मैं हैरान था देख के, उसके पुराने मैंने प्रोग्राम्स देखे, बंदी बड़ी नॉर्मल तरीके से बात करती थी। इंडिया जब आई वो बिग बॉस में काम करने के लिए, उसके अंदर उमराव जान की आत्मा घुस गई। मतलब इतनी नफासत उर्दू बोल रही है मैडम स्लो मोशन में। फिर मैंने उसकी पुरानी वीडियोस देखी, वो तो बंदी खड़ी होकर स्टैंड अप कॉमेडी करती थी कई जगहों पे। शी वाज जी एन एंकर ऑफ अ शो व्हिच वाज वेरी वेरी गुड, एंड आई एम लाइक इसको क्या घुस, इसके अंदर क्या आत्मा घुस गई है उमराव जान की। अरे एनीवे आपको नहीं पता, जब ये आपके अंदर इस्लामियत की रूह घुसती है ना, अल्लामिया की रूह घुस जाती है आपके अंदर, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो, बहुत कुछ करना शुरू हो जाते हो। ये आपके अंदर रूह नहीं घुसी ना, आपको नहीं पता, आप महरूम हो इस चीज से, काश अल्लामिया आपके अंदर भी ये रूह डाले। हाँ ना जी, मैं पठानों से बहुत मिला हूं तो बहुत कुछ घुसा है मेरे अंदर, बट रू नहीं घुस पाई कभी। तोबा तोबा तोबा, ये क्या हराम बातें कर रहे हैं। देखिए हम मुसलमान औरतें ना ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करती हैं, हम हमारे लिए ये जो है ना नामहरम से बात करना ही हराम है। वैसे तो हमारे लिए ये इंटरनेट और ये यहूदियों की साजिश है ना, ये भी यूज करना हराम है, मगर हम क्या करें, थोड़े मजबूर हो गए, बस आप रहने दें, हमारी खिलाफत जब जागेगी ना, तो ये इंटरनेट इंटरनेट सब हमारे कंट्रोल में होगा। जितने गेज बंदों को मैं जानता हूँ ना पाकिस्तान में, मैंने इलेक्शन लड़ लिया ना, मैं इमरान खान को हरा दूंगा पाकिस्तान में इलेक्शन में। गे हैं ही नहीं पाकिस्तान में, कौन से हाँ जी, गे? भर भर के हैं नहीं जी, नहीं आपको कौन से क्या गे पता। हैं पाकिस्तान में, गे हैं ही नहीं पाकिस्तान, शरीयत वाला मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, आप क्यों हमारे मुल्क बदनाम कर रहे हैं, ऐसी गंदी हरकतें हमारे मुल्क में नहीं होती हैं। पठानों के जितने जोक्स है सारे सच हैं। आप हमारे पठान भाइयों के बारे में ऐसी बातें मत किया करें, देखिए बच्चाबाजी एक चीज है, वो एक जगह पे होती थी, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया वो, बस बस आप समझ जाया करो, हमारे उन हमारे मौलवियों को ना कभी कभार जरूरत होती है, इस वजह से अल्लाह ने चंद चीजें उनके लिए हलाल कर दी हैं। हाँ नहीं, वैसे भी वो तो काउंट नहीं होता ना, कुरान हाथ में लेके वो तो साथ साथ तौबा कर रहा था, जैसे पीछे से लौंडा स्ट्रोक लगा रहा था उसके, मैंने देखा था उस मौलवी की वीडियो। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे मौलवियों को, देखो अल्लाह भटका रहे हैं, छोटे छोटे लड़के जो हैं भटका देते हैं हमारे हाँ, उसे लड़कों। चाय में उसने दवाई पिला दी थी और उसके बाद फिर वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ उनको ये नशे करवा कर हमारे मौलवियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे मौलवियों को भी नहीं छोड़ रहे, बेचारे बदनाम करके रखा है हमारे मुल्क को, शर्म नहीं आती, ये सारी यहूदी साजिश है, मुझे मुझे पता है यहूदी साजिश है ये पक्का, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इल्यूमिनाटी भी घुसा हुआ है इसके अंदर। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे आप गणेश जी? नहीं जी, बस आपको हेलो बोलना था और बहुत टाइम थैंक बाद यू सो आपका मच ये वाला अवतार देखा। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको बहुत देखने को मिलेगा रोजाना, मैं जो मुसलमान जो हो गई हूँ।